काफी पुराने समय की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात पता चल गई थी कि राजू तांत्रिक अपनी विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। हाँ भाई, इस तांत्रिक को तो हमें मारना पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये तो गांव के सारे युवकों को ही मार देगा। सही कहते हो भाई, चलो उसके घर पे ही हमला बोलते हैं। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुँचे तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्सी से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। अरे अरे चामुंडा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे 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 मुझे ऐसे मत जलाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अब गांव में सुख शांति का माहौल रहता है। पर 4-5 साल के बाद तभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। अरे राम श्याम, क्या कहता है, गांव में आए हैं तो जंगल में चलेंगे। वहां पर खूब सारी ऑक्सीजन होगी, खूब सारे पेड़ होंगे, आज रात वहीं पर बिताएंगे। हाँ भाई सही कहते हो, वहाँ बॉनफायर लगाएंगे और मजे लेंगे। हाँ हाँ चलो वहीं पर चलते हैं। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुँच जाते हैं। वहाँ वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कीदड़ वहाँ भैंसे के मांस को खा रहे हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है जिस पर तांत्रिक को चलाया गया था और वह देखता है कि उस कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब मुझे इंसान का शरीर मिल गया है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इन काम वालों को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को यह सारी बात बताते हैं। सरपंच जी पता नहीं हम वहाँ जंगल में गए थे, हमारे दोस्त के अंदर किसी पिशाच ने कब्जा कर लिया है, कह रहा है मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। सरपंच जी, सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है, तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने को, उस कुर्सी पर जाकर बैठने को? अब तुमने उस तांत्रिक को दोबारा जिंदा कर दिया है, अब वो गांव को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे बचकानी हरकत के चक्कर में पूरा गांव खतरे में आ गया। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, हमारे दोस्त को कैसे भी बचा लीजिए। सरपंच जी, दोस्त को क्या, अब तो इस गांव को भी बचाना मुश्किल है। सरपंच जी कोई तो इलाज होगा ना, कोई तो ऐसी तरकीब निकालिए जिससे हम उस तांत्रिक से अपने दोस्त को बचा सकें। हाँ मुझे लगता है एक तरकीब है, अगर तुम कैसे भी करके अपने दोस्त को उस कुर्सी से उठा दो तो हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे और फिर उस तांत्रिक की आत्मा वहीं पर खत्म हो जाएगी और तुम्हारा दोस्त भी उसके चंगुल से बाहर आ जाएगा। हाँ ऐसा ही करेंगे हम। थोड़ी देर बाद में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाती है। तुमने
ही मुझे पिछली बार आग लगाई थी। तुम ही हो इस गांव में मेरे दुश्मन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद इस गांव को आग लगा दूंगा। मैं इस गांव को खत्म कर दूंगा, शमशान बना दूंगा, शमशान। वो तांत्रिक की आत्मा जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ती है, तभी वो तीन लड़के कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं। तभी वो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझमें आग लगा दी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब गांव वालों को उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है और वो चारों दोस्त भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती है कि हमें अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो। और दूसरी सीख हमें ये भी मिलती है कि कभी भी किसी अनजान जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए और ना वहाँ पर किसी अनजान वस्तु को छूना चाहिए।